हरिओम दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोरंजन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये मेरे पास एक घड़ी देख रहे हैं आप, ये पुराना ज़माने का घड़ी, कम से कम 40-50 साल का पुराना है। ये घड़ी बहुत दिन से बंद हो के पड़ा हुआ है, आज उसको रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं इस घड़ी को, एक खुल लिया है, इसमें चाबी फूल दिया हुआ है और जाएगा नहीं, सभी है फूल है, इसको हिलाने से चलती है, थोड़ा देर के बाद फिर बंद हो जाएगी। बंद हो गई। तो हम पहले उसको खोलेंगे, खुलने का बाद क्या प्रॉब्लम है देखेंगे और रिपेयर करेंगे। दोस्तों, पहले ये वाला नट खोलेंगे, है ऐसा हाथ से में भी खुल जाता है, हैंड्स खोल लेंगे। फिर ये जो स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू को खोलेंगे। रख लेते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए चलते चलते रुक जाते हैं, उसका प्रॉब्लम ये है, शायद ये जाम हो चुका है, उसको ऑयलिंग कर देने से चल पड़ेगा। फिर भी देखेंगे हम, आए रुक जाते हैं। देखा, तो पहले हम उसको धीरे से निकाल लेते हैं पेंडुलम को। फिर ये है उसका लीवर है, लीवर का जो ये चीज है, लीवर खुल गया, ये लीवर अब बंद हो गया, चाबी खुल, सारी चाबी खुल गया, इसलिए बंद हो गया। उसको निकालेंगे मशीन को। अब ये जो स्क्रू है, पीछे तरफ से जो स्क्रू दिया हुआ है उसको खोल लेंगे, चार स्क्रू। ये हो गया, अब हम उसको खोलेंगे। देखिए उसका, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये खराब हो चुका है, पूरा हिल रहा है। उसको ये ब्रिज तो नहीं मिलेगा अभी, आजकल तो कुछ नहीं मिलता है उसका। फिर उसको देखेंगे, रिपेयर करेंगे थोड़ा बहुत, कुछ हो क्या हो सकेगा देखेंगे। पहले उसको एक एक पार्ट्स को खोलेंगे, किस तरह खोला जाता है, एक प्लास और एक स्क्रू ड्राइवर के मदद से आप उसको उसका काम कर सकते हैं।
ये नट भी खोल देंगे, बस अब धीरे धीरे उसको खोलेंगे। ये ऊपर ब्रिज खोलेंगे, इसमें थोड़ा स्प्रिंग है, चाबी होशियार से करना पड़ता है। एस्केप व्हील खोल देंगे पहले, तो थोड़ा बहुत बाकी है, चाबी वो भी खुल जाना चाहिए, खुल जाने से काम करने में सुविधा होगा। इसमें चाबी था इसलिए ऐसा हो गया। अब ये जो स्प्रिंग अब खुल गया दोस्तों, ये देखिए ये स्केप व्हील है, स्केप व्हील को पहले निकाल लेते हैं। इस सारे व्हील को पेट्रोल में साफ करेंगे, साफ करके ऑयल लगा के फिर फिटिंग करेंगे। ये देखिए ये कितना गंदा हो चुका है, ये वाला व्हील ठीक है, ये वाला ज़्यादा गैप हो गया है। पहले ये मेन स्प्रिंग, जो दो मेन स्प्रिंग, ये चाबी वाला, ये घड़ी को चलाता है, ये अलार्म का बेल के लिए ये है। पहले एक एक करके खोल लेते हैं, ये हो गया, ये निकल गया, निकल जाएगा अभी। ये खुल गया, दोनों स्प्रिंग खुल गया है, जो व्हील जहाँ से निकालेंगे वहीं पर रखेंगे, सुविधा होगा लगाने में। इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये इसमें और व्हील, ये पेट्रोल, ये पेट्रोल से साफ करेंगे। पहले ये ब्रिज, नीचे वाला जो ब्रिज है उसको थोड़ा साफ कर लेते हैं पेट्रोल लगा के। एक एक व्हील को भी साफ कर लेते हैं, अब मैं उसको पेट्रोल में साफ कर लिया हूँ ब्रश लगा के। अब इसमें तेल लगा देंगे, ऑयल, ये जो ज्वेल सब है उसमें तेल, थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, लुब्रिकेंट होगा, सारे होल में थोड़ा थोड़ा तेल दे देंगे।
इसके बाद ये जो ये है ये वाला लगा देंगे। स्प्रिंग, मेन स्प्रिंग ये हो गया, फिर ये मेन स्प्रिंग का है, ये अलार्म का है, ये मेन स्प्रिंग, एक एक करके सब सेट कर दिया है। नीचे वाला ब्रिज में सेट कर दिया है और ऊपर वाला ब्रिज लगाएंगे। जो हुल जहाँ से निकाला था वहीं पर लगाया। धीरे धीरे बहुत मेहनत का काम है, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। पहले पहले ये दो ब्रिज लगाएंगे, एक एक करके सेट करेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत के बाद उसको बनाया और आप कम से कम लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करने से अच्छा है। अब इसमें फिटिंग कर लेंगे। स्क्रू दिया हुआ है उसी का होल से इसको लगाएं, इसको लगा से टाइट कर दें। बनाऊंगा वीडियो इसमें दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मेहनत के बाद कम से कम लाइक हो जाने से भी मन में खुशी होगा। ठीक है, ये नौ होना चाहिए, नौ बार डबल होगा। एक, दो, तीन, चार, छः, सात, आठ, नौ। बहुत बढ़िया, अब हम उसको दीवार पे लटका देंगे, उसके बाद चलाएंगे। अरे सॉरी सॉरी, चाबी दे दिए। ये पूरा 90 डिग्री रहना चाहिए दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, कि बहुत पुराना घड़ी एक पड़ा हुआ था, उसको आइलिंग कर देने का बाद चल रहा है। अब भी ऐसा वाला घड़ी कर सकते हैं, अपना घर में रहेगा ज़रूर, पुराना वाला उसको आइलिंग करके चला सकते हैं। लाइक ये ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और नया होने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।